हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS। SMPS माने सीखो मगर प्यार से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्या किया जाता है, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 6A कर रहे हैं, क्लास 8। एंड बुक कौन सी आपकी? कॉलिंस की मैथ्स की बुक है आपकी ये। एंड इसमें हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? 6, चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6A। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले मैंने इसके बेसिक्स के वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ऐड करते हैं या किस तरीके से सबट्रैक्ट करते हैं, तो वो वीडियोस जाकर जरूर देखें। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप वो नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट दोबारा से आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को भी क्या करना है, वीडियो देखते टाइम कॉपी पेन रखनी है साथ में, और कोशिश ये करनी है कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करे जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे वही चीज याद रखनी है आपको, सबसे पहली चीज यही थी कि टीम बनानी है। अब टीम कैसे बनती है? टीम हमेशा बनती है एक जैसे लोगों से। और यहाँ पर जब हम मैथ्स में टीम बनाने की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है? हमारा मतलब होता है कि एक जैसे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ है एक 15 का वेरिएबल एक्स एक्स का और एक -12x। तो चलो ले लेते हैं कि एक टीम बना दी हमने 15x। और याद रखना है, भले ही हम कह रहे हैं कि यहाँ ऐड करना है, पर जो जिस वेरिएबल का जो साइन होगा वो उसके साथ ही रहेगा, कहीं और नहीं चला जाएगा, वो उसका हिस्सा होता है। ठीक है, तो -12x। अब -20y है तो -20y रख दिया हमने यहाँ। उसके बाद क्या है? +z है, और उसकी दूसरी टीम कौन सी है? -z। ठीक है, ये तो एक दूसरे को ही काटने पे तो गए। चल चलो, अब मैंने एक बार कहा था आपको कि दूसरा स्टेप क्या है, अगर एक बार टीम बन जाती है, जैसे टीम बन गई, अब टीम बनने के बाद नॉर्मल मैथ्स के सब्ट्रैक्शन वाले या एडिशन वाले रूल अप्लाई कर दो। जैसे यहाँ बीच में इन दोनों के बीच में माइनस साइन है ना, तो जब भी याद रखो हमेशा कि अगर दो नंबर्स को आप या दो वेरिएबल्स को माइनस कर रहे हो, जब भी याद रखना कि उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। पहले तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, साइन हमेशा उस नंबर का आता है जो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, 15 बड़ा है और 12 से, तो यानी कि आंसर जाहिर सी बात है 3x आने वाला है। ओके, उसके बाद आपका देख लेते हैं, हमारे पास 20y है और एक वाई कितना रह गया यहाँ पर? +10y रह गया है हमारा, यहाँ मिस कर दिया था। एंड अगर कोई चीज आपको लगती है इन क्वेश्चंस में सर ने मिस कर दी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो -20y है और ये +10y है, तो कितना हो गया? माइनस है एक साइन, तो ये चीज क्लियर है, इनको माइनस करना ही है। अब साइन किसका रहेगा? जो बड़ी वैल्यू है। और यहाँ 10 और 20 में कौन सा बड़ा है? 10 और 20 में आपका 20 बना है ना, तो साइन उसका ही आएगा, यानी कि माइनस। और 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना जाएगा? 10 ही बचेगा, -10y हो गया। और जेड में से जेड कैंसिल। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बचा? 3x-10y। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि 3x-10y का क्या मतलब है हमारा? 3x-10y यानी कि ये दोनों अलग अलग टीमें हैं। और हमेशा याद रखो कि अलग अलग टीमों का कुछ नहीं हो सकता, अलग अलग टीमों का कुछ भी नहीं हो सकता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्लीज अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ लिखा हुआ है -9f+4g+-7gh+13f+3g+hg, -2f-gh+5g। इनको भी हमें ऐड करना है। तो वही सबसे पहला रूल कि इनको एक जैसे वेरिएबल्स को एक टीम बना लो। तो यहाँ -9f है, उसके बाद देखो f का कौन सा, यहाँ 13f है, तीसरे में देखते हैं यहाँ 2f है, तो प्लस साइन था तो 2f आ गया। उसके बाद देखो यहाँ 4g है, तो यहाँ पर +4g ले लो। उसके बाद 4g का जमाना चल रहा है, 5g अभी आने वाला है। उसके बाद हमारे पास है 3g और यहाँ पर देख लेते हैं 5g हो गया। चलो, इसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म्स रह गई, GH और HG, और ये हमारे -S। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइड में,
कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही लाइन का हिस्सा है हमारा, ठीक है। अभी मैं यहाँ एरो लगा दे रहा हूँ, तो -7gh +hg। ओके, अब यहां पर एक चीज याद रखो, अगर चाहे ए बी लिखे या बी ए लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यहां बस कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को दे देते हैं कि यहाँ जीएच लिखा हुआ है। देखो यहाँ ध्यान से, अगर आप देखें यहाँ जीएच लिखा है, बट यहाँ देखे एच जी लिख दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे जीएच लिखा हो या एच जी लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जैसे 2 × 3 करोगे तो वैसे ही 3 × 2 करो, तो आंसर तो दोनों का सेम ही आने वाला है ना। तो इस वजह से चाहे एच जी लिखे या जी एच लिखे, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। और -gh सॉल्व करते हैं, इनकी एक टीम बन गई आपकी यहाँ पर, देखो। ओके, तो 13 13 + 2 कितने हो गए, 15, 15 - 9 करोगे कितना आएगा, 6, ठीक है। 6f, याद रखो 13 + 2 और -9 प्लस, अब जी वाले देखो, 4 + 3 + 5 कितना हो गया, 8 + 12 हो गया 12g ना। जी एच जी एच जी एच दोनों माइनस हो गए, बचा गया -7gh। तो यही आपका आंसर है, क्यों, क्योंकि जब ये टीम्स अलग अलग हैं तो इनका कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इनको भगवान भरोसे छोड़ दो और मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, यही आपका आंसर, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और। सबसे पहले वही टीम बना लो, सबसे पहले याद रखना है क्या करना है, अलग टीम बना लेनी है। तो यहाँ हम बना ले रहे हैं 11AB, AB वाले देखो यहाँ फिर से भाई BA लिख दिया। याद रखो ये लोग आप लोगों को उल्लू समझते हैं, पर आप लोग उल्लू नहीं है, AB लिखो या BA लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन है इसका, 2AB, उसके बाद यहाँ 6AB लिखा है तो +6AB ना, 9A है आपका, 9A है तो यानी कि A का वेरिएबल है, तो यहाँ +9A। अब दूसरा ए का वेरिएबल देखिए यहाँ पर कितना है, 7A है तो +7A। उसके बाद यहाँ देखो कितना है, -2 है, तो मैंने क्या कहा था, वेरिएबल अकेले नहीं जाएगा, वो अपने साथ नंबर को और अपने साइन को जरूर लेके जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं छोड़ सकता ना वो, उसकी प्रॉपर्टी है वो। यहाँ AC है और यहाँ +3AC हो गया, और यहाँ देखिए कहीं है क्या कुछ, नहीं है आपका यहाँ कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपका उसमें बी अकेला है, क्या है, तो बी अकेला यानी कि -8, -8B है और कुछ नहीं है। चलो, तो ए बी वालों को करके देख लेते हैं, तो कितना होगा, 11 + 2 = 13 और +6 = 19, यानी कि 19AB आ गया, आ गया। अब ए वालों को देखो, तो 7 में से 2 गई 5, 5 + 9 14A आ गया, ठीक है। अब यहाँ AC, 3AC + AC कितना हो जाएगा, ये 4AC है ना। याद रखो ये चीज याद रखनी थी, जब मैंने क्या कहा था कि जिसका जब भी कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, तो उसको ये चीज मानकर चलनी है कि वहां 1 है, क्या समझ के चलना था कि वहां 1 है, यहाँ 1 है तो 1 + 3 = 4, बचा गया आपका -8B बचा, ठीक है। तो ये शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, बट फिर भी रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर आ रहा है, अगर कोई गलती हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर देखिए ए क्यूब आ गया, यहाँ भी ए क्यूब है, ए स्क्वायर है। आपको फिर से मैं एक चीज बता दूं, ए क्यूब लिखा हो और ए स्क्वायर लिखा हो, तो इन दोनों को आपको अलग अलग वेरिएबल मानकर चलना है और उसके हिसाब से ही आपको टीम बनानी है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, ए क्यूब प्लस आपका दूसरा, देखिए ए क्यूब कितना है, यहाँ पर आपका जो है -1 क्यूब है, तो -1 क्यूब यहाँ पर कर देते हैं हम, याद रखो ये कितना है, ए क्यूब, और ये नहीं है यार, ठीक है, -1 क्यूब। उसके बाद 3A³, तो +3A³ हो गया। उसके बाद 5A² है और आपका, चलिए लिख लेते हैं पहले 5A², दूसरा देखिए A² वाला, ये रही टीम, 5A² ढूंढना, तो आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलो A² के 2 ही है। अब A वाली टीम देख लेते हैं हम, A वाली कौन कौन सी है, 7A
दूसरा देखो कहीं और ए है, इसमें ए है ही नहीं बट यहाँ ए है, तो +3A हो गया। चलो अब बचे कौन से नंबर्स, यानी कि ये तो टीम नहीं होती है, खैर इनको हम पब्लिक कहेंगे, हमारी पब्लिक, ठीक है। तो ये पब्लिक हो गई हमारी, पब्लिक सब जानती है, तो 4 + 8 + 1, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, ये देखो दोनों की वैल्यूज 1 है। क्या कहा था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज बताई थी ना, कि जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ, यहाँ देखो दोनों वेरिएबल है, कोई नंबर नहीं लिखा है, तो जब भी कोई नंबर नहीं लिखा हो तो ये याद रख करके चलना है कि वहां 1 मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 1 - 1 0, अब ए क्यूब बचा, तो ये आपका 3A³ का अलग टीम बन गया। 5 + 1, यहाँ पर A² आ गया, 5 + 1 6, A²। 7 + 3 10, A 10 आ गया। उसके बाद 4 + 8 + 1 13, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है, 3A³ + 6A² + 10A+13, क्योंकि अब यहाँ पर तीन अलग टीमें हैं और एक आपकी पब्लिक है ना, तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, यहाँ पर आपको वर्टिकली ऐड करना, यानी कि ये इस तरीके से ऐड होंगे आपके, ये दो नंबर्स हैं यहाँ पर भी ये ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ +15C है, -6C है, इसको इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो आपको मेहनत कुछ नहीं करना, टीम आपकी बनाई हुई है, तो सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा। 9 9 + A 10A, ए यानी कि ये 1A है, ओके। -12 और -18, चलो मैं यहाँ एक नया रूल बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं दो वेरिएबल्स हैं या दो नंबर्स हैं, दोनों में ही क्या हो रहा है, माइनस के साइंस हो रहे हैं। जब यहाँ पर माइनस के साइंस हो तो उनको आपको ऐड कर देना है, दोनों ही माइनस के साइन होना चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, पर साइन आपका माइनस का ही आएगा, ये चीज भी नोट डाउन कर लें कि दोनों को ऐड तो करना है पर साइन आपका माइनस का आएगा। तो 12 and 8 20 हो गया, 15, और यहाँ माइनस का है एक, तो यानी कि एक प्लस और एक माइनस हो तो तब तो माइनस करना ही है। और दूसरी चीज, साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, यहाँ बड़ा कौन सा है आपका, 15 बड़ा है, तो 15 - 6 9C आपका आंसर है। ये ई का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं, 2 - 2X यानी कि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 2 - 2 0, -8 आपका है ये और -8 है, यानी कि दोनों माइनस साइन है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी दोनों माइनस साइन होंगे आपको उनको जोड़ देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के पहले आपको साइन उसी माइनस का लगा देगा। तो -8 - 8 16, और यहाँ जेड है तीसरा वेरिएबल है और +13 है। चलो अब एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। यहाँ मैं कुछ जानबूझकर गलती कर रहा हूँ, ये चीज आपको बतानी मुझे जरूरी है कि यहाँ पर क्या गलती है, ठीक है। यह मैंने आप लोगों को पर छोड़ दिया है कि आप मुझे इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है, तो ये हमारा 20, रिपब्लिक अकेली है तो -23 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक गलती है, इसमें एक गलती है, मैं यहाँ जानबूझकर छोड़कर जा रहा हूँ एक गलती, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और इसका करेक्ट आंसर मुझे दें, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमने अभी 200 225 कर लिए हैं, बट स्टिल हमें और आगे और ज्यादा सब्सक्राइबर की जरूरत है। सो प्लीज, अगर आपको मेरा मैथ सिखाना पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।